तारिक रोड ट्रेड एलायंस के सदर और आल कराची अंजुमन ताजरान के चेयरमैन इलियास मेमन के भतीजे और मोहम्मद अशरफ चारा के साहबजादे मोहम्मद उस्मान रजा की गुज़िश्ता रोज वलीमे की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में ताजर बरादरी समेत आला पुलिस अफसरान, डिप्टी कमिश्नर, समाजी शख्सियात और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक वफाकी वजीर और अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी के सरबरा हाजी हनीफ तैयब, बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोती वाला, मारूफ सनतकार ख्वाजा कदीर, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद इदरीस मेमन, नायब सदर काजी जाहिद, साबिक सदर कराची चैम्बर यूनुस बशीर, शारिक बोहरा, कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स के सदर रिजवान इरफान, नासिर तुर्क, आल सिटी ताजर इत्तेहाद एसोसिएशन के चेयरमैन शजील गोपलानी, कराची सिंध ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन शेख हबीब, नवाब जूनागढ़ सिंध ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचा, सुहेल चौधरी, बाबर आदम, सैयद असगर, सदर अलायंस के नायब सदर अब्दुल समद खान, चेयरमैन तलत महमूद, हनीफ तवक्कल, सिंध सराफा के सरबरा हारून चांद, शब्बीर हुसैन, बाबू आदम, फयाज मेमन, जिक्रिया मेमन, मुजम्मिल चैपल, DIG सादत यासीन, असिस्टेंट कमिश्नर फातमा बतूल, सीनियर सहाफी अंजुम वहाब, अब्दुल सत्तार आजाद और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर शिरका ने इलियास मेमन की समाजी खिदमात की तारीफ की और इनको सराहा। खिमा था उस्मान का, माशाल्लाह पूरी ताजी बिरादी, पूरी चैम्बर, हर किस्म के जो है मतलब ताजी बिरादी, सोशल वर्कर, SMEs सारे लोग यहाँ आए थे और माशाल्लाह मैं कहता हूँ हमारे में भतीजों को मुबारकबाद देता हूँ उसमें, तो तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इनकी मेहरबानी यहाँ पे आए और जितने भी लोग आए वो बड़ी खुशी से हुई और आखिर तक अभी तक आ रहे हैं लोग, और ये करूँगा इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज जो है वो तारिक रोड ट्रेड एलायंस के सदर इलियास मेमन के भतीजे उस्मान रजा की शादी है और माशाल्लाह बड़ी वलीमा है और माशाल्लाह बड़ी तादाद में आज जो है ना बिजनेस कम्यूनिटी, मेमन बरादरी के लोग और समाजी रहनुमा जो हैं बड़ी तादाद में आए हैं। इलियास मेमन साहब खुद भी अल मुस्तफा से वाबस्ता हैं तो समाजी रहनुमाओं के साथ उनकी वाबस्तगी जो है ना वो होती है, तो माशाल्लाह देख रहे हैं बहुत मज़ा आ रहा है इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं इलियास मेमन साहब को और उनके भाई को मुबारकबाद दूंगा कि आज उस्मान साहब की शादी का वलीमा है, दावत वलीमा शारिया फैसल पे, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आए हुए हैं और एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लेके जाए और अल्लाह ताला इनकी जोड़े को जो है कामयाब करे और इलियास भाई की खुशियों में बिल्कुल शरीक हुए और अल्लाह ताला इनको खुश और खुर्रम रखे। इन्होंने हमें मधु किया और बिजनेस कम्यूनिटी को इन्होंने बुलाया, तो इलियास साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत दिन बाद किसी तकरीब में इन्वाइटेड हूँ और आया हूँ। इलियास मेमन हमारा भाई है और हमारा दूल्हा हमारा भतीजा उस्मान है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए और आज ताजी बरादरी का मेला है, शेख हबीब साहब अभी थे, रिजवान और सलीम मेमन भी आएंगे, तो अल्लाह ताला मेरी बहुत सारी दुआएं हैं उनको कि अल्लाह उनकी ज़िंदगी को कामयाब करे और अपने वालदेन के नक्शे कदम पर चले। कोरोना के हवाले से तकरीबात तो अब कमी होती है, मगर ये शादी की दावत ऐसी है और इलियास मेमन हमारे बड़े बड़े भाइयों की तरह हैं इलियास भाई और इनके भतीजे का वलीमा है और माशाल्लाह काफ़ी ताजे बरादरी यहाँ पर आई है और अभी आने वाली है, तो अल्लाह ताला शादी को कामयाब करे और इस मौके पर तमाम काफ़ी लोगों से मुलाकात हो जाती है और गैदरिंग जो होती है बड़ी अच्छी हो गैदरिंग होती है। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ममनून हूँ अशरफ भाई का, इलियास भाई का, कि उन्होंने मुझे अपने फैमिली गैदरिंग में दावत दी और आज अशरफ भाई के साहबजादे का वलीमा है। मैं उन्हें पूरी फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला दोनों मियां बीवी को बहुत मोहब्बत से और प्यार मोहब्बत से रहने की जो तौफीक अता फरमाए और उन्होंने उनको नन्हे नन्हे मुन्ने मुनिया अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आज उस्मान साहब का वलीमा है हमारे इलियास मेहमान साहब के भतीजे का, अल्लाह इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं उनको, और ये जो वलीमा है माशाल्लाह रौनक है, सब कराची की समाजी शख्सियातें आ रही हैं, दुआ ये मेरी है कि उनकी ये खुशियां जो हैं ये भरपूर वो एंजॉय कर सकें और ये जो 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 ये गेट टुगेदर है ये लोग बरसों याद रखें। इलियास मेमन भाई के भतीजे उस्मान रजा को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद और अल्लाह ताला इस घराने को खुश आबाद रखे। आज हमारे दोस्त इलियास मेमन के भतीजे की शादी है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कराची की पूरी ताजिर बरादरी यहाँ पर मधु है और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह उनको खुशियाँ नसीब करें और इस शहर को अमन का गहवारा बनाए। आज इलियास मेमन साहब के भतीजे उस्मान रजा की शादी है जिसमें तमाम ताजर बरादरी भरपूर शिरकत की हुई है, अल्लाह इनको खुशियाँ दिखाए
और ऐसे मौके पे मिलना एक दूसरे से बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी भी कि कराची के तमाम ताजर तंजीमों के रहनुमा इस खुशी के मौके पे मौजूद थे। मैं इलियास मेमन को अपने दिल की गहराइयों से मुबारक देता हूँ। आज उनके भतीजे उस्मान की वलीमे की तकरीब है। अल्लाह ताला आने वाले वक्त में हमारे बच्चों को वो तमाम खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए जो इस शहर का मुकद्दर होनी चाहिए। इस वक्त बदकिस्मती से हालात अच्छे नहीं हैं, सेहत के हालात भी ठीक नहीं हैं, कोरोना ने भी हर तरफ से हमें घेरा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला हमें इन सब चीज़ों से बचाए। इन तकारीब में इन बच्चों को अल्लाह ताला हर खुशी देखना नसीब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आज इलियास भाई के भतीजे की शादी है, वलीमे की दावत थी, तो आज बड़ी खुशी हुई है कि हर मकाती पे फिक्र के लोग मौजूद हैं और ताजिर तमाम तंजीमें आज यहाँ मौजूद हैं। तो ये इस बात की गमाजी है कि इस वक्त ताजिर सब एक छतरी तले मौजूद हैं। मशारे हमारे भाई मोहम्मद अशरफ के बेटे की तकरीब में हम जमा हैं। माशाल्लाह उन्होंने ताजिरों को भी जमा किया है, उलमा को भी जमा किया, मशाइख को भी जमा किया, कम्युनिटी के लोगों को भी जमा किया है। अल्लाह इस रिश्ते को और ज़्यादा खुशगवार बनाए, मोहब्बतों वाला बनाए, और जिन घरों में ऐसे रिश्ते का भी इंतज़ार है वहाँ अल्लाह ताला करम फरमा दे अपना। मेरे मोहतरम इलियास मेमन के भतीजे अशरफ मेमन के बच्चे की शादी है। मैं ख्वाजा कदीर अहमद, चेयरमैन कदीर ग्रुप ऑफ कंपनीज, अब और मेरा बेटा ख्वाजा अतीक अहमद और मेरे जितने दोस्त भाई बैठे हैं, नासिर साहब और जितने मेरे बुज़ुर्ग दोस्त हैं, सबकी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला का ये करम है कि अल्लाह ताला ने इन लोगों को इस काबिल किया कि ये खुशियाँ दिखाई। भाई के फैमिली के अंदर जो शादी हुई है उनकी पूरी फैमिली को मैं दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और माशाल्लाह यहाँ हर डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं यहाँ, और बस इस मौके पर हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो है इनको खुशियाँ नसीब फरमाए, आगे इनको तरक्की नसीब फरमाए, अल्लाह इनके ख़ानदान को खुशहाल करे, खुशियाँ नसीब करें इनके ख़ानदान में। और अल्लाह करे कि हमारी दुआ है कि जितने भी यहाँ बच्ची हैं जिनकी शादी नहीं हुई है उनको अच्छे घराने मिल जाएं, और यह हैगा कि अल्लाह उनके मुस्तकबिलों को सवार दे। अल्लाह ताला जितने भी लोग इस पंडाल में मौजूद हैं अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतों का नज़ूल करें। माशाल्लाह जी उस्मान के लिहाज से जितने भी ये इंतजाम किए गए हैं, इलियास मेहमद साहब की बड़ी काफ़ियाँ रही हैं इस मामलात में, और आज का जो खाना है वो भी माशाल्लाह बहुत जायकेदार था, और इन इंतजाम में भी ये तासर लिया जा सकता है कि इलियास मेहमद साहब माशाल्लाह काफ़ी साहिब ज़ौक हैं और उनको पता है कि लोगों को इस किस्म के खाने ज़्यादा पसंद हैं। अशरफ भाई की मोहब्बत में इतनी बड़ी महफिल सज गई के बयान से बार मुझे खुद एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने लोग आएंगे, और लोग आ रहे हैं और इतनी माशाल्लाह से सारे कमेटी के बिजनेसमैन, चैम्बर के इसके उसके सारे लोग तकरीबन मौजूद थे यहाँ पर, और बहुत अच्छी है, हर लिहाज से बहुत अच्छा महफिल था माशाल्लाह से। कैमरामैन अमजद इकबाल के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान।